कंटिन्यूज हवा लग रही है भाई यार, यहाँ पे यार इतना मजा आ रहा है, धूप है। हर हर महादेव यार, अपना थोड़ा बहुत माउंट पे लगा देता हूँ, और फोन करने के बाद वहीं जाके उनको मैं देखेंगे आज शायद कोशिश है। यहाँ पर आप देख सकते हो आई ब्रो एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर भाई है, भाई का 1 मिलियन होने वाला है कुछ ही दिन में, सो एडवांस कंग्रेचुलेशन आपको कुछ ही दिन में। कंटिन्यूज हवा लग रही है, कंटिन्यूज हवा लग रही है भाई यार, यहाँ पे यार इतना मजा आ रहा है, धूप है फिर भी डर लग रहा है, डर भी लग रहा है, देखो कितना खतरनाक है, अगर एक पत्थर फेंकेंगे ना नीचे उधर पहुंच जाएगा वहां दूर, तो मतलब क्या है, डर भी लग रहा है मजा भी आ रहा है गाइस, क्या ही बताऊं यार। सो भाव ये खास करके ये है ना जो ये थाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है अभी, क्योंकि चढ़ाई इतना ज्यादा चढ़ाई है, पूछो मत यार। अभी रोड भी ऐसा जगह में रोड है, देखो है ना कैसे जगह में रोड है, देखो है ना, देखो बस कैसे आ रही है, ट्रक कैसे आ रही है, हर हर महादेव, गाड़ी में भी लगा रहे हैं। चलो अभी निकलना पड़ेगा क्या यार, थोड़ी देर के बाद चढ़ाई है, वो चढ़ाई मैंने ऑलमोस्ट खत्म ही कर लिया यार, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी थोड़ा बहुत क्या होगा नाश्ता वगैरह वगैरह खाते हैं है? वहां से कितना 10 बजे चला था, अभी ये आर्य भंजन करके नाम जल रहा है, 4:49 गया, तो देखते हैं भूकंप तक पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे, बिकॉज अभी चढ़ाई है नहीं तो एकदम डाउन ही, अभी कोई टेंशन नहीं है, नाश्ता खाते हैं उसके बाद फटाफट करके यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस अभी मतलब मैंने एकदम चढ़ाई वाला खत्म हो गया, अब थोड़ा स्लोप थोड़ा बहुत चढ़ाई, स्लोप थोड़ा बहुत चढ़ाई, उसके बाद थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद खत्म। सो चलो अब अपना थोड़ा बहुत माउंट में लगा देता हूँ और उसके बाद कुछ बात करते हैं, चलते हैं। सो गाइस चलो अब फटाफट चलते हैं यार, थोड़ा बहुत लगा के ना माउंट थोड़ा बहुत सेट करना पड़ता है, चलते वक्त थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, पता नहीं हम कितने देर में पहुंच जाएंगे बूटा वॉल में, रात तो हो जाएगा है ना, लेकिन जो रात की टाइम पे ऐसे 7-8 बजे मेरे हिसाब से उसी टाइम में हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम तो 8 बजे मेरा मैक्सिमम टाइम 8 बजे, और 8 बजे तो मैं पहुंच जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है ना, चढ़ाई वाला ही लगा ख़त्म होने के बाद तो हुए थे, अगर ज़्यादा चढ़ाई होता ना तब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, चढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने रास्ता है जो पहले 31 किलोमीटर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा लो, 1.5 घंटा मैंने कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद यहाँ से मेरे को 15 किलोमीटर करने में 2.5 घंटे ख़त्म हो गया, ये देखो ये हाल होती है, तभी तो मैं अपना स्पीड नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसीलिए। सो अभी कुछ ऐसा है मतलब देखो अभी धूप भी धीरे धीरे करके डाउन होने वाला है, धूप भी रात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है साइकिलिंग में कि यार ये लाइट नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ ना लाइट को थोड़ा यहाँ पर एक जो माउंट में चेस्ट माउंट में क्या करूँगा ये एक लाइट जला के फ्लैश लाइट ऑन करके चलूँगा, ताकि कोई दूसरे लोग देखेंगे ना, उन लोग देखते समझ जाएंगे हाँ ये कोई आ रहा है, तो पिछली बार मैंने पोखरा राइडिंग वाला में मैं ऐसे किया था ना, तो इसी कारण से मेरे को आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, उस टाइम में तो मैंने बहुत ही भयंकर वाला चैलेंज लिया था यार, कि पोखरा जाके एक ही दिन में जाके आना और विदाउट गियर वाला साइकिल, ये वाला साइकिल होता था मुझे कुछ कोई टेंशन नहीं होता है, और वो वाला साइकिल में तो सच में
हालत ही खराब हो जाती है ना। अभी देखो इसमें कितना स्पीड चलता है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। और यहाँ पर जब मैं आता हूँ ना, आया ना, सो ये सूरज जब देख रहा हूँ, सूरज डूबने का, अभी धीरे 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 सूरज डूबने का टाइम हो गया। और ये सूरज देख के ना इतना अच्छा लग रहा है। अभी रोड है ना ऐसे है, तो पहाड़ी है, मतलब एकदम सीधी सी चल रही है, सीधी सी चल रही है, मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा डाउन भी नहीं, एकदम स्लो, एकदम सीधी हुई तरीके, एकदम प्लेन जैसा चल रहा है। सो काफ़ी रास्ता तय कर, जब प्लेन होता हूँ तो मैंने बहुत दौड़ाता हूँ, कसम से लिटरली बहुत ही बहुत दौड़ाता हूँ। और अभी ये कुछ नज़ारा देखने के बाद थोड़ा आप लोगों को रुकने का मन कर रहा है। और जो है ना, देखो सनसेट होने का टाइम होगा, क्या ही लग रहा है यहाँ से यार, मतलब सनसेट यहाँ से अच्छा लग रहा है। सो सनसेट अच्छा लग रहा है बोल के मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता हूँ, बट जाना पड़ेगा। जो भी हो जाना तो पड़ेगा। सो साइकिलिंग इस तरह से रखा हुआ साइकिल, सो यही है साइकिल अपना, क्या ही दौड़ेगा रे यार, क्या ही दौड़ेगा। चेंज टू सन ग्लासेस, फाइनली मैंने अपना सन ग्लासेस चेंज कर दिया। और मोबाइल फिर मैंने अपना बड़ा मोबाइल यहाँ पर रख दिया। सो थोड़ा बहुत नहीं दिखाई दे रहा है वो, भाई क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ अभी 5:40 गया और इसी रास्ता में अभी तक यहीं पे बैठा हूँ। सो अभी थोड़ा धूप दिखाई देने लगा है, रास्ता काफ़ी, मौसम काफ़ी क्लियर है। मुझे भी यहाँ ये वाला यहाँ छोड़ने का मन ही नहीं करे, क्या ही करे, जाना पड़ेगा। सो बुटोल तक पहुँचना पड़ेगा कैसे भी है। तो सन ग्लासेस चेंज कर दिया, अब ये वाला लगा दिया। अब ये वाला लगाने के बाद आपको कोई टेंशन है, रात में, दिन में वो लगाना पड़ता, दूसरा वाला ब्लैक वाला लगाता हूँ, दिन में ये, रात में ये, क्योंकि इसे रात से इसका अच्छा दिखाई देगा ना, वो दिन में क्या आया वो अच्छा दिखाई देगा। सो चलो अब तक चलना ही पड़ेगा भाई। तो गाइस अभी बर्तुंग करके नाम जगह में आ चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो वहाँ पर कहाँ लिखा है, ये बर्तुंग, वो उसके ऊपर लिख रहा है ना, पालपाक से आगे लिख रहा है ना बर्तुंग। सो अभी क्या है, साइकिल में थोड़ा होल्ड कर रखा हूँ, आज अंकल के जाना है, अंकल को फ़ोन करता हूँ कि यार मैं आ रहा हूँ। सो पहले थोड़ा बहुत नेट पैक वगैरह मैं ले लेता हूँ मैं, ठीक है, साइकिल यहाँ पर खड़ा कर दिया हूँ, नेट पैक वगैरह मैं फटाफट ले लेता हूँ और फ़ोन करता हूँ, इंटरनेट दे रहा है, हो चुका है गाइज। सो गाइज अभी अपना थोड़ा बहुत ड्रेसअप थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, जैकेट वैकेट लगा लिया, अब थोड़ा बहुत ठंडा लगेगा, अब थोड़ा डाउन है तो थोड़ा बहुत क्या होगा, ठंडा लगेगा, इसीलिए आपका थोड़ा बहुत मोटा कपड़ा लगा के निकल रहा हूँ। सो चलो थोड़ा बैग भी हल्का हो गया, आप फटाफट करके दौड़ के जाएंगे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो अभी देखो अंधेरा करते करते पूरा रास्ता अंधेरा हो चुका है। सो अभी थोड़ी देर आप लोगों को बात करते करते चलेंगे, जहाँ तक अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होने के बाद मैं बंद कर दूंगा। तो अभी थोड़ा बहुत फ्लैश लाइट ऑन तो कर दिया, वैसे ये ऑटोमेटिक पकड़ता है फ्लैश लाइट, तो कुछ ऐसा है, तो जहाँ तक क्या होगा, थोड़ा बहुत जहाँ तक थोड़ा बहुत उजाला होगा वहाँ तक शूट करूँगा, ठीक है गाइस। तो वहाँ के बाद तो फिर देखो कहीं कहीं तो रास्ता भी आएगा, तो लाइट भी आ जाएगा, तब बढ़िया रहेगा। अदरवाइज बढ़िया तो कहाँ रहेगा यार, पीछे लाइट आएगा तभी तो बढ़िया आएगा। तो अभी अंधेरा हो चुका है, मतलब मैंने 0.5 में कर दिया हूँ, इसलिए थोड़ा अंधेरा देखा, अल्ट्रा वाइड में अंधेरा दिखाई देता है, वैसे 1x में तो थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। मैनेज में करूँगा तो फिर आपको ये थोड़ा बहुत व्यू अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा, तो इसीलिए मैं क्या कर रखा हूँ, 0.5 में कर रखा हूँ। सो आपने साइकिल का कुछ हैंडल तक का दिखाई देगा, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देगा, बस ऐसे ही है।
तो चलो जहाँ तक भी होगा जैसे भी होगा तो आप लोगों के साथ चलेंगे यार। बेटा भाई जहाँ तक क्यों जैसे जैसे भी होगा वो बोलने का आदत हो गया यार। मतलब जब ट्रैवलिंग करता हूँ तब पैडल मारने का जरूरी नहीं है, नॉर्मली चलता है। इसे इंडिया से आए बस कुछ लोग, चलो देखते हैं जाके। यस हाय ब्रो, तुम्हारे पास कोई बाइक आ रही है तुम अगर उसे। हेलो हेलो सर, कैसे हो सर? कहाँ से आए सर आप? हम दिल्ली। दिल्ली से आए? हैदराबाद से आए हो आप? हैदराबाद से आए भाई? जी भाई, ये हैदराबाद से, वो सर दिल्ली से, हम कलकत्ता से। आप कलकत्ता से? किसी के पास बाइक छोड़ रहा है। वाह नाइस यार, आप लोगों को बाइक बढ़िया बढ़िया है। क्या है आपका यूट्यूब चैनल? है क्या है आपका? दोनों का है, एक है स्मोकी राइडर्स। स्मोकी राइडर्स आप ये ऑन करो, हम देखें। अच्छा अच्छा, ओहो मैं भी ब्लॉगर हूँ, मैं भी वैसे रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। अच्छा। अभी क्या है वैसे घर यहाँ भी है नेपाल, उधर काम कुम करता हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। तो आप लोगों के साथ क्या है कि मतलब देख लिया भाई गाड़ी देखने के बाद तो पक्का ये तो भाई इंडिया से पक्का 100% है बोल के। चलो अच्छा यार, आप वहाँ एक साथ कंटेक्ट करें। ये तो फ्लैश लाइट ऑन करके वैसे वीडियो भी ऑन है, वीडियो भी ऑन है साइकिल में, ये मल्टीपर्पज काम करेगा है ना। अब बहुत ज्यादा अंधेरा होगा तो वैसे बुटोल में जाके बैठने वाला हूँ मैं, है ना। अच्छा उल्टा जाओगे अभी? इधर नीचे जाना है ना मैं। अच्छा, नीचे आप? मैं तो उधर से आया हूँ। तो अभी आप कहाँ तक पहुँचना है? पोखरा। अभी देखते हैं पोखरा, इतना बड़ी बड़ी बाइक है, आप पोखरा इजीली पहुँच जाओगे। नाम जगह है तो जारे पीपल में पहुंचते पहुंचते मैं अपना स्पीड में चल रहा था, चलते चलते भाई यार 200 की स्पीड में चलती बोलते हैं, साइकिल की स्पीड काफी अच्छा खासा था। तो चलते चलते मैंने यहाँ पर कुछ इंडिया के भाई लोग आए थे, ब्लॉगर भाई आए थे, सो उन लोगों से मतलब थोड़ा वो मिल लिया, बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आई ब्रो एक्सट्रीम एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर भाई का 1 मिलियन होने वाला है कुछ ही दिन में। सो एडवांस कंग्रेचुलेशन आपको, कुछ ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए जल्दी से जल्दी। और भाई साहब से कुछ मिला? भाई साहब ने आप चैनल नहीं बोला? हमारा चैनल ही नहीं है। अरे वही तो असली मास्टर वो। अच्छा असली मास्टर सर है सर, आपका चैनल नाम क्या है सर? स्मोकी राइडर्स। हाँ स्मोकी राइडर। सो दो तीन बंदे से मिला काफी अच्छा लगा है ना। सो भाई कुछ बोल देना यार। क्या बोलूं? हाँ कुछ भी बोल दो। हाँ मेरे व्यूअर को क्या बोल दोगे? कुछ भी बोल दो आपकी तरफ से। देखो भाई भाई ना बहुत मेहनत कर रहा है, साइकिल पे चलना आसान नहीं होता, जो पैदल चल के जाता है, जो साइकिल पे चल के जाता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। सो देखा भाई ने आपने कुछ बोला तो भाई जल्दी जल्दी कर दो, भाई मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट चाहिए। भाई का जितना भी सब्सक्राइबर देख लेना, ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ये भाई दोनों भाई है तो दो तीन भाई आए थे एक्सट्रीम मोटो राइडर है ना। सो भाई लोगों का बाइक कुछ इस तरह से है, तीन बंदे आए हैं। ये देखो भाई का यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर है। सो यहाँ भी लिखा है, सो मतलब काफ़ी है, डोमिनार बाइक लेके आए हैं भाई ने। ये भाई का कुछ ये 390 है ना, ड्यूक 390 है। तो देखो इस तरह से भाई लोग आए, वहाँ से आए, एक हैदराबाद से आया, एक दिल्ली से आए, और एक भाई आए हैदराबाद से, एक कोलकाता से भी आए, हैदराबाद कोलकाता दिल्ली से आए। तो भाई का यहाँ यूट्यूब चैनल का नाम देख सकते हो, यूट्यूब चैनल प्लस इंस्टाग्राम दोनों लिख रहे हैं। सो अभी मैं भी बहुत देर तक यहाँ पर बैठा हूँ, और बैठ के फटाफट अपना रानी को लेके चलते हैं। तो भाई के साथ थोड़ा बहुत वीडियो शूट हो चुका है, और कुछ इस तरह का ये बाइक है, भाई का देख लिया, बार बार मैंने दिखा दिया। अब जाना जरूरी है, ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा ना सोचते हुए फटाफट निकलना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि थोड़ा बहुत अब यहाँ चेस्ट माउंट में लाइट लगा लूँगा, फ्लैश लाइट लगाऊंगा, और उसके बाद दौड़ के चल, लेट्स गो। तो गाइस अभी मैं ये सिद्ध बाबा मंदिर करके जगह में आ चुका हूँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी तो आ ही चुका है। सो भगवान शिव जी को यहाँ पर मैंने दर्शन कर लिया, और विश्वकर्मा बाबा को, नाग देवता को, सिद्ध बाबा को मैंने पर दर्शन कर लिया। अभी यहाँ से फिर निकलने का टाइम हो गया, साइकिल वहाँ पर रख दिया हूँ थोड़ी देर के लिए। सो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होगा, डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है ना। तो डर इसलिए लग रहा है कि रोड एकदम इस लाइट से थोड़ा कम इलाका कवर करता है, इसीलिए
तो आगे से कहीं खड्डा ना हो जाए, कभी डर लगता है, इसलिए कि हम स्लो मोशन में चला रहा हूँ, ऐसा जोर से नहीं, नॉर्मल नॉर्मली चला रहा हूँ। अभी तो आ ही गया, ज़्यादा देर दूर नहीं है, तो अभी चलते हैं। गाइस नाउ आई रीच इन बुटवल, सो मैं अभी जस्ट बुटवल में पहुँच चुका हूँ, और अभी अपने अंकल के घर में जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये थाई के पीछे हिप बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, सो क्या ही बताएं भाई भाई। सो चलो अभी आपने अंकल के घर के बाहर निकलते हैं, कुछ इस तरह के बुटवल में, ये वाला, ये वहाँ से जो गाड़ी जा रहा है ना इस तरफ, तो इस तरफ से ये इधर पहाड़ी है, कल दिखाई देगा, इस पहाड़ी से आया हूँ। सो अभी इस तरफ चलते हैं, तो इस तरफ चल के देखते हैं कि कल सुपा देवरानी जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है ना, वहाँ जाएंगे। अभी भी चलेंगे क्योंकि दर्द हो रहा है, वीडियो बनाने का मन कर रहा है, बट क्या है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी, रेस्ट करना जरूरी है, कल भी जाना है ना। यो गाइस अभी बहुत ज़्यादा थकान हो चुका है, सो अपना मैं अंकल के घर में आ चुका हूँ। तो अंकल घर आने के बाद यहाँ पर खाना पीना खा के फटाफट सो ही गया, सो अभी दर्द हो ही रखा है, सो कल तक थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा, उसके बाद फिर क्या करते हैं, कल की राइड के लिए तैयार करते हैं। सो गाइस आज का वीडियो यही तरह, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।